आज बन रहा है केला वाला पुआ। तो हमारी श्रीमती जी अभी बना रही हैं केला का पुआ। पुआ और पूड़ी दोनों देखने में बिल्कुल सेम ही होता है, और इस पुआ को आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से बार बार दबा रही हैं, और पुआ को फुलाने के लिए बार बार इस तरह से दबाना पड़ता है, और तब ये पुआ धीरे 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 फूल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप यही पूड़ी हो या पुआ के अलावा कोई भी अगर दूसरा कोई व्यंजन है जिसे आप तरह से बार बार दबाएंगे तो फट जाएगा, उसमें तेल भर जाएगा और फिर दोबारा नहीं फूलेगा ये। लेकिन ये पुआ बार बार फूल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कौन सा साइंस काम करता है, कौन सी केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी काम करती है कि इसको दबाओ फिर भी ये फूल जाता है, इसके अंदर तेल भी नहीं भरता? तो ये जो यक्ष प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको पूछने का दिव्य ज्ञान तो मुझे अभी भी प्राप्त हुआ है। तो अगर आपके पास पहले से इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि क्यों पुआ को बार बार दबा दबा के पिचका पिचका के फुलाने से भी वो फूलता है, फूटता नहीं, उसके अंदर तेल नहीं घुसता है। पता है? बताइए, कमेंट करके बताइए।